हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टाइप देखने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल का स्टूडेंट्स, वो हमारा क्वेश्चन है फॉर्म में होना चाहिए ए टू बी एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अगर आपका क्वेश्चन ये फॉर्म में है, अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो विद इन अ 1 सेकेंड आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप में आपको सिर्फ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया तो विद इन ए सेकेंड आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है उसका स्टूडेंट, देखिए 1 बाई टू बी माइनस ए, मतलब आपका यहाँ पर जो भी अपर लिमिट है, ये जो भी लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए कोई भी नंबर हो सकता है, बी कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर फंक्शन ये कोई भी हो सकता है, ये और ये सेम होगा, और ये फंक्शन में हम एक्स के जगह पर अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे, तो वो फंक्शन यहाँ पर हमें मिलना चाहिए। अगर वो कंडीशन है तो हमारा ये टाइप का एग्जांपल होगा, और उसका हम विद इन अ सेकेंड उसको हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर बेस्ड हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है लोअर लिमिट इज 4, अपर लिमिट इज 7, और 11 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अभी इसका देखिए आंसर देना तो बहुत ही ईजी है, अपर लिमिट क्या है 4 है, लोअर लिमिट क्या है सॉरी 7, लोअर लिमिट 4, 7 माइनस 4 करेंगे आपको 3 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 2 कर देंगे आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख के तो हमें सॉल्व कर ले, लेकिन आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है ये टाइप में है, ये फॉर्म में है कि नहीं है, पहले आपको चेक करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो अभी हमें चेक क्या करना है, ये फंक्शन सेम है, दिस एंड दिस सेम, लेकिन ये एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फंक्शन है, हम किसे फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारा फंक्शन है 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हमारा फंक्शन है। हमें क्या करना है, फंक्शन में एक्स के जगह पर ए प्लस बी माइनस एक्स लिखना है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ए प्लस बी माइनस एक्स करना है। तो क्या करना है हमें, ए मतलब 7 प्लस बी मतलब 4 माइनस एक्स करना है। तो x के जगह पे आपको किससे रिप्लेस करना है, 7 प्लस 4 11, 11 माइनस x के आपको रिप्लेस कर देना है, किसमें, फंक्शन में x के जगह पर। तो यहाँ पर 11 माइनस 7 प्लस 4 11, 11 माइनस x कर दिया, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ब्रैकेट आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 11 माइनस 11 ब्रैकेट माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये और ये सेम है, दिस एंड दिस, और इसे हमने सिंप्लीफाई किया, मतलब क्या किया, ये जो हमारा फंक्शन है उसमें हमने एक्स के जगह पर एक्स को रिप्लेस किया, किससे, अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से, लोअर लिमिट क्या है 4, अपर लिमिट क्या है 7, 7 प्लस 4 11, 11 माइनस एक्स से हमने किसको रिप्लेस किया, एक्स को, किसमें, फंक्शन ये इसमें, इसके जगह पर। ठीक है, तो ये हमारा ये फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यही है स्टूडेंट, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, जैसे ही आपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको क्या कर देना है, 1 बाई टू 7 मतलब b माइनस a मतलब 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 बाई टू 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को आपको चेक करना है कि ये फॉर्म में है कि नहीं है। कुछ और एग्जांपल हम ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, क्या 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, ये साइन अंडर रूट साइन एक्स है वो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन ये सेम है, प्लस ये हमें क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स से ये मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये फॉर्म में क्वेश्चन है, चेक करना है हमें। ठीक है, अगर हमें पता चल गया ये फॉर्म में, तो डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 मतलब 1 बाई 2 π/2 मतलब हमारा आंसर देखिए π/4 होगा, लेकिन
हमें चेक करना है कि हमारा यही फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसे हमने फंक्शन कंसिडर किया, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स क्या, अंडर रूट साइन एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ये क्या बोल रहा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स करिए, मतलब एक्स को रिप्लेस करिए, एक्स को रिप्लेस करना है किससे, ए प्लस बी माइनस एक्स से, ठीक है। तो हमारा देखिए एक्स को रिप्लेस करना है, ए प्लस बी, ए क्या है ज़ीरो, ज़ीरो प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स, मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो देखिए हमारा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें कॉस एक्स मिल गया, मतलब ये हमारा एक कॉस एक्स है। तो ये जो एग्जांपल है हमारा, तो ये ऑलरेडी हमारा ये फॉर्म में है। तो एक बार हमें पता चल गया भाई ये फॉर्म में है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, वन बाई टू बी माइनस ए, बी बी क्या है हमारा पाई बाई टू माइनस ए क्या है ज़ीरो, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर इज आंसर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका डिफ़िकल्ट पार्ट यही है कि आपको क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका आंसर तो बहुत इजी है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेस्ड ऑन दिस ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें एग्जांपल दिया हुआ है, वन टू टू रूट एक्स अंडर रूट थ्री माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है। तो देखिए हमारा फंक्शन क्या है, दिस इज़ आवर फंक्शन, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, हम एफ ऑफ, ये एफ ऑफ एक्स है, ये इसे हमें चेक करना है, ये हमारा यही है क्या, ठीक है। तो अगर हमने चेक कर लिया, अगर वही मिल गया तो हमारा आंसर तो बहुत इजी है, टू माइनस वन वन, वन बाई टू, तो हमारा आंसर देखिए वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं ये फॉर्म में कैसे है, तो हमारा देखिए फंक्शन क्या है, रूट एक्स है ये, और ये सेम है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना है, हमें एक्स के जगह पर ए प्लस बी, ए क्या है हमारा वन, बी क्या है टू, वन प्लस टू थ्री, थ्री माइनस एक्स, ठीक है। मतलब ये एक्स को हम रिप्लेस करेंगे किससे, थ्री माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक्स के जगह पे थ्री माइनस एक्स लिख दिए, अरे वाह, ये तो हमें यही मिल रहा है, मतलब हमारा ये फॉर्म में इक्वेशन है, ठीक है। इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको आंसर क्या लिख देते हैं, वन बाय टू, बी क्या है टू माइनस ए क्या है वन, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, वन बाई टू, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर देना तो बहुत इजी है, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन चेक करना है कि आपका क्वेश्चन जो है ये फॉर्म में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपका ये फॉर्म में आ गया तो विद इन अ वन सेकेंड हमें आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये टाइप के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर, आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए कोई भी लिमिट हो सकता है, बी कोई भी लिमिट हो सकता है, ये फंक्शन सेम होना चाहिए, और यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि इसको एक्स को रिप्लेस करने पे, गिवन फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, ए प्लस बी माइनस एक्स से, और हमें सेम ये मिल रहा है, तो ही हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप कर रहे हैं, आप और भी एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इशू है, आपका कुछ सजेशन है, तो वीडियो के एंड में आप वो पूछ सकते हैं या फिर एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम टॉपिक जो है शॉर्टकट मेथड से मैं ट्राई करके आपको बता सकूँ, जिसमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई हो सकता है वो टॉपिक में, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, आपको इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जाम शॉर्टकट मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।